हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे द्वारा दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर लिया जाना है जो कि INS विक्रांत पर ही बेस्ड होने वाला है, जिसको लेकर बहुत जल्दी क्लियरेंस मिल सकता है और उस पर काम भी चालू हो सकता है। आने वाले 5 से 8 सालों में ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी को मिल भी सकता है। लेकिन ओरिजिनली जो IAC-2 की रिक्वायरमेंट थी, ये एक बड़े सुपर कैरियर साइज़ के एयरक्राफ्ट कैरियर की थी जो कि 75,000 टन क्लास कैटेगरी के ऊपर का होने वाला था। तो क्या इंडियन नेवी ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर के रिक्वायरमेंट को छोड़ दिया है? तो इसका जवाब है नहीं। इंडियन नेवी को अभी भी ये बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए जो कि IAC-3 अल्टीमेटली होगा, और इस पर काम इंडियन नेवी द्वारा किया जा रहा है। पहले IAC-2 प्रोग्राम के अंतर्गत किया जा रहा था, अब IAC-3 प्रोग्राम के अंतर्गत किया जा रहा है, और मोस्ट लाइकली ये एयरक्राफ्ट कैरियर 2040 के अराउंड इंडियन नेवी की सर्विस को ज्वाइन कर सकता है INS विक्रमादित्य को रिप्लेस करता हुआ। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के डेवलपमेंट को लेकर तैयारी पहले से चल रही है। कोचिन शिपयार्ड द्वारा एक बड़ा ड्राई डॉक बनाया जा रहा है रविपुरम शिपयार्ड में, जो कि 70,000 टन क्लास कैटेगरी के शिप्स को बनाने में सक्षम होगा। तो यहाँ से खाली एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं बनाए जाएंगे बल्कि बड़े कार्गो शिप्स भी बनाए जा सकेंगे। खैर, IAC-3 के डेवलपमेंट को भी यहाँ पर दिमाग में रखा गया है और हमारे पास ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने की कैपेबिलिटी भी बहुत जल्द मौजूद होने वाली है। तो बजट इश्यूज की वजह से ज़्यादा बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ इंडियन नेवी फिलहाल के लिए आगे नहीं बढ़ी, और ये जो IAC-2 है ये INS विक्रांत पर ही बेस्ड होगा जैसा कि हम जानते हैं। तो ओवरऑल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी ऑपरेट करेगी। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेजर रिपेयर और रिफिट में जाता है तो कम से कम 6 महीने से 2 साल तक का समय लग सकता है। INS विक्रमादित्य के केस में हमने ये चीज़ देखा कि यहाँ पर करीबन 2 साल का समय लगा था। वहीं पर अगर रशिया के एडमिरल कुजनेत्सोव की बात करें तो 2017 से ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक्सटेंडेड ओवरहॉल पे है। तो इतने लंबे समय तक के लिए इतनी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी जो है आपकी नेवी मिस आउट करती है, इसलिए एक एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट कैरियर होना बहुत ज़रूरी है। और इंडियन नेवी के लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होना ज़रूरी है ताकि अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर ओवरहॉल में जाए एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, तो कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आपके सर्विस में मौजूद हों ताकि दोनों साइड हर समय एयरक्राफ्ट कैरियर द्वारा कवर करी जाए। INS विक्रमादित्य की अगर हम बात करें तो हम इन्हें 2014 से ही सर्विस में यूज़ कर रहे हैं और मैक्सिमम इनकी लाइफ 2040 तक जाएगी, क्योंकि ये पहले ही पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिनको दोबारा से INS विक्रमादित्य बनाया गया है, रीडेवलप किया गया है इंडियन नेवी के लिए। तो एक ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर के कंपैरिजन में इनकी सर्विस लाइफ उतनी नहीं होगी, इसलिए आपको यहाँ पर अभी से इनके रिप्लेसमेंट के बारे में विचार करना चालू कर देना चाहिए। और इंडियन नेवी के पास पहले से ही प्रोग्राम है जो कि IAC-2 का पहले हुआ करता था, एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर का, अब IAC-3 हो जाएगा। तो हमारा हमेशा से एम था कि 65,000 टन क्लास कैटेगरी का एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी नेवी ऑपरेट करेगी, जिसको बजट इश्यूज की वजह से फिलहाल के लिए अप्रूवल नहीं मिली है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर कैटोबार कैटेगरी का होगा और मोस्ट लाइकली स्टीम कैटापुल्ट के बजाय यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट या फिर EMAS को इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हैवियर एयरक्राफ्ट को लॉन्च कराने में सक्षम होगा। तो EMAS पर भी हमारे द्वारा पहले से ही अलग से काम किया जा रहा है। तो अगर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी हम दिमाग में रखें तो TDBF के ऑर्डर्स इजीली 100 के अप्रॉक्स जा सकते हैं, क्योंकि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर से ये प्लेटफॉर्म ऑपरेट होंगे। अब सवाल दूसरा ये उठता होगा कि इनके ऑर्डर्स कब दिए जाएंगे। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि कम से कम 4-5 साल आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो हैं ये पहले से ही लाइन में हैं, जिसमें प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत सबमरीन डेवलपमेंट से लेकर प्रोजेक्ट 75 अल्फा की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन इंक्लूडेड हैं। तो खैर, ये थोड़ा दूर ज़रूर है पर इनएविटेबल है, यानी कि इस डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा, जिसकी तैयारियाँ अभी से चल रही हैं। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये जो ड्राई डॉक डेवलप किया गया है इसमें करीबन 1800 करोड़ खर्च किए गए हैं और इसकी लाइफ करीबन 100 ईयर्स की है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि यहाँ पर IAC-3 के बाद भी फ्यूचर में और बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए जा सकेंगे। IAC-3 को लेकर अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये कन्वेंशनली पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा ये मोस्ट लाइकली न्यूक्लियर पावर्ड होगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी और हमारे इंटरेस्ट भी ग्रो करेंगे, तो जो नेवी है उसका ग्रो होना तय है, इसलिए हमें बड़े एसेट्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए हमारी जो तैयारी है अभी से चल रही है, और ये ड्राई डॉक आने वाले 100 सालों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
जय हिंद।